तो नहीं है, आप दलित ही मंदिर में नहीं जा सकते। तो इसके ऊपर जो है बड़ा सोच करना पड़ेगा कि हम लोगों की स्थिति क्या है इस देश में, क्या हम लोग इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो इसके ऊपर आपको आपके बच्चों को खासकर से बच्चों से बात करिए घरों में। ये इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि हम बच्चों से आरक्षण की बात नहीं करेंगे, संविधान की बात नहीं करेंगे। ये चर्चाएं होनी चाहिए घर घर में कि आगे चल के हमारे लोगों की स्थिति क्या होने वाली है। तो बाबा साहब ने हमको बहुत अधिकार दिए और सबसे बड़ा अधिकार दिया है वोट का। तो जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार ऐसा अधिकार है कि वो आपके शासन को ही बदल सकता है। तो इसीलिए वोट का सही से इस्तेमाल हम लोग करना चाहिए। अभी मुझे पता लगा जो लेटेस्ट इलेक्शन कर्नाटक में हुआ है, इसमें भी हमारे समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है। जबकि कितनी व्हाट्सएप पे बात चल रही है और कितना सब कुछ पेपरों में आ रहा है और कितने संगठन ही बता रहे हैं कोई बीजेपी को वोट नहीं करना, ये हमारे खिलाफ वोट है, फिर भी लोग नहीं मान रहे और ना बाबा साहब की बात मान रहे। तो हम आज इस मौके पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन करते हुए और उनको नमन करते हुए उनके विचारों को याद करते हुए ये प्रण लें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो सभी लोग अगर ऐसा सोचेंगे, बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाएंगे, तो मेरे ख्याल से बच्चों की भी तरक्की होगी, समाज की भी तरक्की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारे जो जाटव प्रगतिशील के जो हमारी कार्यकारिणी है, बाकी सदस्य हैं, उनको भी सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने जैसे कहा कि आज के माहौल को देखते हुए हमें अम्बेडकर जयंती नहीं मनानी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने पहले कल्चर प्रोग्राम रखा था जो दूरदर्शन से भी टाइप किया था, हमने उसको डेफर किया इसी वजह से कि हम कम से कम इसको ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है किस तरह से हमारे लोगों को, हमारे बच्चों के ऊपर देशद्रोह का केस लगा कर उनको अंदर किया जा रहा है। हजारों लोग हमारे मार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश और न जाने दूसरे प्रदेशों के अंदर। ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, खाली दुख जाहिर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। हमें एक ऐसा संगठन चाहिए जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमारे उन बच्चों के साथ, उनके ऊपर जो दुराचार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उनको फर्जी केसेस में, जाली केसेस में अंदर किया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में मेरठ में, महाराणा साहिब में मैंने अपने एक रिश्तेदार के एक आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा हुआ, अभी तक हॉस्पिटल में है। वो तो पता नहीं क्या क्या केस उनके ऊपर लगा दिए। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ दो जो हमारा जो SC ST एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था वो उसके अंदर शामिल थे, बस यही उनकी एक गुनाह था उन्होंने किया गया। तो हम लोग उसको देखते हुए ज़्यादा कल्चर प्रोग्राम हमने नहीं रखा है और मुझे लग रहा है आज की गैदरिंग भी इसी वजह से कम है, लोग काफ़ी डर रहे हैं। हमारे अपने जो संस्था हैं जिनके संचालक हैं उनको भी डर है, पता नहीं कब किस केस में उनको अंदर चार्जशीट कर दिया जाए या अशोका नोटिस इशू कर दिया जाए जो गवर्नमेंट ऑफिस में है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो अपना आपको थोड़ा बैक डाउन में रखें, फ्रंट में ना रहें। अभी हमारे संरक्षक महोदय ने आज के माहौल को लेकर के बहुत कुछ बताया। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये संगठन जाटव प्रगतिशील संघ इन सब घटनाओं को अच्छे से विश्लेषण करता है। प्रतिमाह हम लोग बैठते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और जिस प्रकार से भी हम अपने समाज के लिए मदद कर सकते हैं हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब जो हो पा रहा है हमारे आदरणीय जो पूर्व सदस्य हैं उनके सहयोग से, वो समाज के सभी लोगों के सहयोग से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। तो मैं संक्षेप में अपने संगठन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा कार्य ही हमें अपनी आइडेंटिटी समाज में प्रोवाइड करता है, केवल बोलने पर से नहीं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि संरक्षक महोदय ने अभी एक बात की
कि हमारे समाज के पर आज चारों तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सी संजीवनी है जो हमारे समाज के विरोधियों को मिल रही है और वो लोग इतने एक्टिव हो रहे हैं इन 2 से 3 वर्षों में? वो संजीवनी है कहाँ से? ये संजीवनी कहीं और से नहीं, ये संजीवनी जो भी सरकारें बैठी हुई होती हैं वहीं से मिलती है। क्योंकि जो भी सरकार बैठती है पिछले 70 वर्षों से, उसकी लड़ाई केवल और केवल संविधान से होती है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, वो कोशिश करती है तरह तरह के प्रयास करके कि संविधान में हम किस तरह से बदलाव करें। अब वो बदलाव हमारे समाज को मिले अधिकारों को ऊपर उठाघात करके, या देश में, देश के नागरिकों में रोष पैदा करके, वो एक चाहे झूठा ही सही एक विचार डालते हैं देश के नागरिकों के बीच में और कोशिश करते हैं कि संविधान बदलें। जबकि विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी के सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट जो बैठा होता है, वो संविधान को बचाने की कोशिश करता है। और ये वही संविधान है जो हमारे परम पूज्य श्री बाबा साहब ने हमें दिया है। ऐसा क्यों होता है? विपक्ष आज जो सत्ता में है, कल वो विपक्ष होगा, कल तक वो विपक्ष में था, वो बचाने की कोशिश करता था, आज खत्म करने की कोशिश करता है संविधान। वजह ये है कि संविधान ने उनको जो शक्तियां दी हैं वो असीमित हैं। जब वो सत्ता में बैठते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, या सत्तारूढ़ दल की तरफ को जब वो बैठते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि हमारे पास तो शक्तियां असीमित हैं। और जैसे ही असीमित शक्तियां मिलती हैं, वो उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन संविधान के अंदर एक बड़ी खूबसूरती से उनका कार्यकाल का समय निर्धारित कर दिया गया है। वह तरह तरह के कंडीशंस लगा दी गई हैं कि आपके साथ में नंबर होने चाहिए, देश के अंदर सौहार्द का माहौल होना चाहिए, कई कंडीशंस हैं। अगर उस लेवल पे वो फेल होते हैं तो उनको हटाने का भी अधिकार है। तो उनको लगता है कि 2-3 साल तक तो वो अपने शक्तियों को, असीमित शक्तियों को एंजॉय करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद में हमें तो फिर से उसमें जाना पड़ेगा चुनाव में, अब उन्हीं के सामने हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे जिनके पर हमने अत्याचार किया है, कुठराघात किया है, तो वो पूरी शक्ति के साथ में संविधान को बदलने के लिए लग जाते हैं। और यही वो संजीवनी है जो उन लोगों को मिलती है जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्योंकि ये संविधान जो देन है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब की देन है, जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये आवाज शांत हो जाए तो हमें रोकने वाला कोई नहीं। अब जो लोगों के बीच में रोष कैसे पैदा किया, इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं बहुत छोटा सदस्य हूं, कोई गलती हो जाए मेरे से माफ कीजिएगा। मैंने इस चीज को थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन किस प्रकार से किया कि एक अखबार के अंदर, नवभारत टाइम्स के अंदर एक लेख आया था कि सरकार ने पिछले 3 सालों में 8 लाख सरकारी नौकरियां दी, 8 लाख सरकारी नौकरियां दी, और 2 महीने बाद में खबर आती है कि 2 लाख पद खत्म कर दिए। अब ये नंबर्स 8 लाख 3 साल के, इस नंबर्स के अंदर ही संजीवनी छुपी हुई है।
अब 8 लाख सरकारी नौकरियां 3 साल में दी, देखिए इसको समझिएगा, तो 1 साल में उन्होंने एवरेज कितनी नौकरियां दी, तकरीबन 2,40,000 नौकरी। अब 2,40,000 नौकरियों को हमारे देश में राज्य 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, अगर इनमें बराबर भी बांट दिया जाए तो 36 से जब हम भाग करेंगे तो एक राज्य को 7,400 नौकरियां मिलती हैं पूरे साल में। अब 7,400 नौकरियों में भी ये वो नौकरियां कितनी हैं जिनके लिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका अगर आंकड़ा निकालें तो मुश्किल से 4,000 नौकरियां होंगी। अब 4,000 नौकरियों में आरक्षण कितना, 22.5%, क्योंकि पिछड़ा वर्ग तो जब तक ही पिछड़ा है जब तक वो क्रिमिनल लेयर में नहीं आता, जैसे ही वो अपना क्रिमिनल लेयर में आ जाता है वो जनरल बन जाता है। तो 4,000 नौकरी में 22.5% का मतलब है 1,000 नौकरियां तो मिल गई मतलब आरक्षित वर्ग को और 3,000 नौकरियां मिल गई अन्य लोगों को। अब ये बताइए एक स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते हैं सरकारी में, 7,000 से 8,000 बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इतने से ज्यादा तो लोग PhD कर लेते हैं। ये जो रोजगार या नौकरी रूपी जो रोटी है इसको सरकार रूपी बंदर खा रहा है और इसके लिए 2 बिल्लियां लड़ रही हैं, जनरल और आरक्षित वर्ग। वो कहता है मुझे इसकी वजह से नौकरी नहीं मिल रही, वो कहता है मैं इसके वजह से नौकरी नहीं मिल रही। और जो सामान्य वर्ग है उसके दिमाग में तो बड़े आसानी से घुसा देते हैं कि तुम्हारी नौकरी तो आरक्षण वाले खा गए। अरे भाई हैं कहां जो खा गए, हो तो खा ले, जब है ही नहीं तो खाए कहां से। अब ये आंकड़े हर कोई नहीं समझ सकता, देख लिया 8 लाख नौकरियां मिल गई, एक रिक्शे वाला भी आरक्षण को गाली दे रहा है, बाबा साहब को गाली देता है क्योंकि आरक्षण दे दिया, क्योंकि उसका वैचारिक स्तर कितना है उतना ही है, केवल जो उसको समझा दिया बोल दिया। और बोलने वाला कौन है, जो पढ़ा लिखा जो समाज है सामान्य वर्ग का, वो हकीकत नहीं बताता कि ये परेशानी है कि नौकरियां ही नहीं है, वो कहते हैं कि तुम्हारी नौकरियां तो ये आरक्षण वाले खा गए। तो एक ये सामाजिक रोष पैदा करने के लिए, और जो आदमी का जो गुस्सा होता है वही उसकी संजीवनी होती है, वो लड़ पड़ता है मर जाता है, देश के अंदर ये रोष पैदा कर दिया गया। इस रोष की वजह से ही आज जो हमारे जो आंदोलन हैं हमें करने पड़ रहे हैं, 2 अप्रैल को हमारा वो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसको उग्र कर दिया गया। मगर देखने वाली बात यह है कि हमारा आंदोलन हुआ और हम लोग घरों से बाहर निकले, इसका मतलब है कि जो हम लोग इस मंच पे इन कमरों में अपने घरों में जो बात करते हैं यह संदेश हमारे समाज में जा रहा है। जो हम बात करते हैं जब संदेश हमारे समाज में जाता है तो हमें बात यह भी करनी चाहिए कि ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, ताकि जब कभी भी कहीं पर वैचारिक मंत्रणा होती है कहीं पर भी तो हम अपना पक्ष पूर्ण तैयार रख सकें। हमारे समाज का हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान के लिए जो कर सकता है वो करे, जिस प्रकार से भी कर सकता है करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकता है करे, क्योंकि आज की राजनीति केवल और केवल सत्ता तक सिमट गई है, कुर्सी तक सिमट गई है, आज के वो नेता नहीं रहे
जिन्होंने इस देश में हमारे संविधान को अंगीकार किया था, माना था, चाहे वो सामान्य वर्ग से थे, चाहे वो आरक्षित वर्ग से थे, उन्होंने सर्वसम्मति से एक भारत एक संविधान को माना था और अंगीकार किया, और जिसकी वजह से हमारा देश आज 70 वर्षों से भी आजाद है, आजादी की सांस ले रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के सम्मान की बात होती है, जिसमें सभी हर तरह से देश में सौहार्द बनाए रखने की बात होती है। अगर हमारे संविधान को चोट पहुंचती है तो इसका मतलब है हमारे देश की एकता के ऊपर चोट पहुंच रही है। और याद रखिए, इंसान अपने सबसे मजबूत दुश्मन जिससे उसे डर लगता है उसे हमेशा याद रखता है। अगर किसी व्यक्ति के जहन में धार्मिक उन्माद है या जातिगत उन्माद है तो इसका मतलब है कि वो धार्मिक रूप से किसी व्यक्ति से डरता है या जातिगत रूप से किसी चीज से डरता है, वो आपकी शक्ति से डरता है। इसीलिए हर स्तर पे, हर मुद्दे पे, हर कहीं पर भी चार लोग बात करेंगे, आपकी बात जरूर होगी, पहली बात मुसलमान की होगी या फिर उसके बाद आरक्षण की। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इसी प्रकार से अपने समाज के लिए जो हो सकेगा हम करते आएंगे, हम अपने संविधान को बचाएंगे, हम एक ऐसा देश बनाएंगे अपने देश को जिसमें आपसी सौहार्द हो, जिसमें ना तो धर्म की बात हो ना जाति की बात हो। धन्यवाद वर्मा जी, काफ़ी अच्छे विचार आपने रखे। मैं जो भी वक्ता है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा कम से कम समय में बोले, इससे सभी लोगों को टाइम मिल जाए। जैसा कि वर्मा जी ने बताया, आज से 10 साल पहले जितनी वैकेंसी थी आज भी उतनी वैकेंसी है, उससे कम वैकेंसी है। लेकिन 10 साल पहले 9 लाख कैंडिडेट होते थे, आज की डेट में 10 करोड़ कैंडिडेट हैं। ये मैंने एक आर्टिकल में अखबार में पढ़ा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों की एजुकेशन को उस डायरेक्शन में करना है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर आप काबिल हैं, कैपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं तो आपको वहाँ नौकरी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वहाँ अभी तक कोई रिजर्वेशन कास्ट सिस्टम नहीं है। तो इसलिए मेरी हमेशा ये विनती रहती है कि अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अग्रसर करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जाटव प्रगति संस्थान में JPSS के सदस्य हमारे श्री रमेश सागर जी कि वो कम से कम शब्द अपनी बात रखें और बाबा साहब के बारे में बताएं कि समाज के बारे में। रमेश सागर जी, जय भीम। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज जाटा प्रगतिशील संघ के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उपस्थित सभी साथियों को सम्मान के साथ मेरा क्रांतिकारी जन्म। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक बात जरूर होगी, ये जो माहौल है, ये जो माहौल बिगड़ रहा है और हम परेशान हैं, ये देश परेशान है। तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई बात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अच्छा, जब कोई कारण होता है तो उसका निवारण भी होता है। हमें करना क्या है, हमें सही मार्ग की तलाश करनी है। क्या हम सभी इस बात के लिए तैयार हैं? हम अपने महापुरुषों को कितना अंगीकार करते हैं, कितना मानते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, ये इस बात पर निर्भर होता है कि हम कितनी तरक्की चाहते हैं। अगर हम तरक्की नहीं चाहते तो कहीं हम अपने महापुरुषों को ढो तो नहीं रहे। अच्छा, वैसे ही मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, समझने की बात है। हमारे में बहुत सारे सामाजिक लोग हैं, जब लोगों के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं, बात होती है, तो बात में से एक बात निकल कर आती है, लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा, बाबा साहब को तो हम भी मानते हैं, तथागत को तो हम भी मानते हैं। अच्छा, बाबा साहब को मानते हैं
तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन उनकी कितनी मानते हैं, उनकी बातें मानते भी या नहीं मानते, या केवल उतना ही मानते हैं जितना हम इस्तेमाल कर सके? तो हम अपने महापुरुषों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? चिंतन कीजिएगा, मैं एक बात से सिद्ध करने का प्रयास करता हूं थोड़ा सा। राकेश जी, ये मेरे साथी है राकेश जी, बहुत आदर और सम्मान के योग्य हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। अगर मुझे इनका सम्मान करना है तो क्या मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा? बहुत बढ़िया, तीन अवस्थाएं मैंने बताई, एक हाथ से, डेढ़ हाथ से और दोनों हाथ से। हम चिंतन करें, हम अपने महापुरुषों का सम्मान किस प्रकार से करते हैं। फूल चढ़ाते हुए आप लोगों ने अपने आप को नोटिस किया होगा, हम अपने महापुरुषों का सम्मान कैसे करते हैं? कुछ तो खाना पूर्ति कर देते हैं, कुछ डेढ़ हाथ से करते हैं, कुछ सम्मान के साथ दोनों हाथ से करते हैं। ये जो सम्मान है ये यहां से निकलता है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं समाज में या अपने परिवार में या अपने देश में किसी का भी सम्मान करते हैं तो वो यहां से निकलता है और वैसी ही हमारी प्रतिक्रिया होती है। दूसरे मैं बात करूंगा, बाबा साहब ने हमें दो बहुत मजबूत अधिकार दिए हैं, एक वोट का अधिकार और एक शिक्षा का अधिकार। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं तो उसी पर बात करूंगा। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, कुछ लोग कहते हैं शिक्षित करो। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तथागत बुद्ध ने अब से 2500 साल पहले अपने भिक्षुओं को समझाया और उनसे कहा कि हे भिक्षुओं, जाओ और लोगों के बीच में लोगों को समझाने का काम करो। उन्होंने उस समय पाली भाषा में कहा था चलत भिक्षुवे चारिरंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षु, जाओ बहुजन समाज के हित के लिए उनको समझाओ और चारिका करो। तुमने उनके पास चलते हुए जाना, उन्होंने तुम्हारे पास नहीं जाना। तो भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि तथागत, वो तो ठीक है इस समय समाज में बहुत सारे मक्कार हैं, धूर्त हैं, कपटी हैं, सभी समाज की बातें करते हैं, सभी समझाने की बात करते हैं, हम भी उनके बीच में जाएंगे, लोग कैसे पहचानेंगे कि हम आपके शिष्य हैं? समाज में सभी भगवे कपड़े पहन के आ जाते हैं, हमारी तरह ही सिर रख लेते हैं, पीछे से कुछ चोटी रखते होंगे, कुछ नहीं भी रखते होंगे, लेकिन आगे से देखने से पता नहीं चलता, लेकिन सब एक जैसे दिखते हैं, कैसे पहचान होगी? तो 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि आपके कर्मों से पहचानेंगे कि आप हमारे शिष्य हैं। यानी तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया कि लोग तुम्हारे कर्मों से पहचानेंगे कि तुम तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य हो। अगर तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है तो तुम भी वैसे ही हो जैसे सामान्य वर्ग में समझ रहे हो। अब चिंतन कीजिए, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अभी आप लोगों के पास कोई सूचना आती है या समाज में एक सूचना फ्लैश होती है कि कल से भारत का शासन प्रशासन आप लोगों ने संभालना है और ठीक 10 बजे आप लोगों ने राजनिवास पहुंचना है या राष्ट्रपति भवन पहुंचना है, तो कितने लोग पहुंच जाएंगे समाज में से? सब अपने घर से 12 बजे निकलते हैं, 10 बजे कितने लोग पहुंच जाएंगे? कितने लोग तैयार हैं आप में से समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए? कितने लोग जागरूक हैं समाज की जिम्मेदारी लेने के लिए? मैंने पहले कहा था कि मैं शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूं, शिक्षा की बात करूंगा। बाबा साहब ने कहा एजुकेट। देखिए शिक्षा 80 के दशक तक जब हम किसी परिवारों में जाते थे, लोगों के पास जाते थे, लोग कहते थे कितने पढ़े हो, तो वो बताता था मैं 10वीं 12वीं BA। अच्छा, वो कहते थे अच्छा कितने गुने हो, कितने गुने हो, कितने गुण हैं तुम में। लेकिन 80 के दशक के बाद वो चर्चा धीरे 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 बंद होती गई। आज 2018 में लोगों के घर पर जब जाते हैं तो पूछते हैं अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, तो बताता मैं ये कर रहा हूँ। फिर पूछते क्या बनना चाहते हो, तो फिर वो बताता मैं ये बनना चाहता हूँ।
उस बीच में वो बात कहीं नहीं आती कि मैं, वो बताएगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मैं वकील बनना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, सब बता देगा। आप सर्वे कर लीजिए, 100% लोगों में से कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ।